तो भाई से आप मिलते हैं अभी। राम राम भाई। राम 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 राम। तो पहले तो अपने बारे में परिचय दीजिए भी, आप कहाँ से और पूरा बताइए आप। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और मेरा गांव गोरखना तहसील और डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ और राज्य राजस्थान का रहने वाला हूँ। तो भाई आप हमें ये बताइए, ये ट्रैक्टर को आपने किस पर्पज के लिए, मतलब आपने सोच के इस ट्रैक्टर को तैयार किया है? पर्पज तो काफ़ी है इस ट्रैक्टर के। अच्छा, और जैसे मैं बता देता हूँ आपकी, ये जो ट्रैक्टर है ये है इंटरनेशनल B275 जो बोलते हैं ना इंटर। हाँ हाँ इंटर। और जो पीछे वाला जो ट्रैक्टर है वो है महिंद्रा B275, मतलब महिंद्रा के अंदर आता है वो। ये लो स्पीड है, वो हाई स्पीड है। ये करीबन 81 मॉडल होगा और वो शायद 90 से ऊपर ऊपर है। तो भाई आपने इस प्रोजेक्ट पे कितने टाइम काम किया है और इस ट्रैक्टर को आपने तैयार किया, कितना टाइम लगे आपको इसको तैयार करते हुए? मेरे को 5 दिन लगे। अच्छा, 5 दिन में तैयार किया। और जो आपने ये नया नाम इसके अंदर डाला है, नई सीरीज डाली है, इसके बारे में बताइए कुछ आप। सीरीज का मतलब ये है कि भाई महिंद्रा की जो सीरीज होती है ना, वो जैसे मान के चलो 615, 475, ठीक है 265 ऐसे आती है। 615 की जो सीरीज है ना वो अभी तक आई नहीं है, तो हमने सोचा भाई 615 की सीरीज रख देते हैं। तो आपके दिमाग में आइडिया आया क्या, कहाँ से, मतलब ये आपने कहाँ पे देखा है पहले या कुछ सोचा है, कुछ बताइए आप इसके बारे में। आइडिया तो क्या है, ऐसे ही आते रहते हैं। ऐसे आते रहते हैं। तो आप इसके बारे में हमें पूरी बताइए, जो भी इसकी मेन मेन खास बात है वो सारी कंप्लीट बताइए। खास बात ये है कि सबसे पहले तो मैं मतलब जो भी आपके दर्शक हैं उनको बोल देना चाहता हूँ कि 2-3 चैनल और थे उनके ऊपर मैंने इस ट्रैक्टर की वीडियो डाली, तो इसके प्रति नेगेटिव कमेंट आए, लेकिन मैं लोगों की जो सोच है वो बदल नहीं सकता। अच्छा, नेगेटिव कमेंट आए। हाँ, नेगेटिव कमेंट आए, ठीक है। तो सोच तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन इस ट्रैक्टर को तैयार करते समय काफ़ी मेहनत लगी हमारी। तो भाई हम मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट लेकर आते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट का जो मेन पर्पज है वो बता देता हूँ आपको। जैसे मान के चलो भाई, ये जो ट्रैक्टर है ये 4x4 ट्रैक्टर की तरह हमने तैयार किया है। अच्छा, 4x4 की तरह काम करेगा। काम करेगा ये, किस तरह काम करेगा? ये PTO के द्वारा काम करेगा। PTO के सिस्टम इसे जोड़ रखा है। हाँ, ये भी चलता है। अगर ये ट्रैक्टर अपना न्यूट्रल हो, पीछे वाले के अगर गियर लगा देंगे तो ये चलेगा। अच्छा, ये सिस्टम अगर भाई इस ट्रैक्टर गियर नहीं लगाए तो उस ट्रैक्टर से भी ये ट्रैक्टर चलेगा। चलेगा ये। फिर तो बहुत अच्छी भाई ने बनाया है। हाँ, और इसके वजह से चला के भी दिखाएंगे और पूरी इसके बारे में जानकारी लेंगे। जैसे 4x4 ट्रैक्टर होता है वो क्या है, जैसे पीछे वाले टायर है वो फंस जाते हैं कीचड़ के अंदर, ठीक है, फ्री हो गए। आगे वाले चलाएंगे 4x4 तो वो फंसेगा। हाँ ये तो है, लेकिन ये फंस जाए, ठीक है, अगर पीछे वाले टायर चलाएंगे इसके, जैसे मान के पीछे वाला गियर लगा देंगे तो ट्रैक्टर बाहर निकलेगा आराम से। हाँ ये तो है, फिर तो निकलेगा, क्यों दोनों टायर बराबर के हो गए। हाँ हाँ, पीछे से पावर दिखाएगा। हाँ पावर दिखाएगा। पीछे से दिखाना आप इस ट्रैक्टर को। दिखाते हैं, बोल आ रहा है अभी, बंद कर दीजिए अभी। हम इसकी जो टॉप शाफ्ट है वो हमने काट दी है, यहाँ से काट के डायरेक्ट PTO के अंदर कनेक्शन कर दिया है इसका। तो ये अगला लो स्पीड है, ये हाई स्पीड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती? दिक्कत आती है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। तो फिर इसको पहली दिक्कत तो ये है कि ये ओल्ड मॉडल होने की वजह से रिवर्स PTO नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो रिवर्स PTO नहीं है ना, तो ये जो ट्रैक्टर है इसका हम बैक गियर लगाएंगे ना तब आगे चलेगा। ये बैक लगाना पड़ेगा, मैच नहीं होते हैं। अच्छा, बैक लगाएं तब चलेगा आगे, और उसके आगे लगाएंगे तो वो आगे चलेगा। उसका कितना नंबर गियर लगेगा? उसका 2 नंबर लो, इसका बैक हाई। अच्छा, पहले लगाएंगे तो ये बैक चलेगा। बैक चलेगा, उतनी स्पीड में चलेगा? हाँ उतनी में। राउंड है ना, सिर्फ राउंड उल्टे और सीधे का फर्क है। अच्छा, और कोई फर्क नहीं है स्पीड वगैरह का। अच्छा, जैसे नॉर्मली चलता है ट्रैक्टर इंजन के साथ में RPM लेकर, ठीक है, वैसे ही ये सीधा PTO के अंदर चल रहा है। तो आपने इसके ऊपर ये वेट क्यों डाल रखा है? वेट तो ऐसे ही मैं टोटन की वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे मान के दूसरों के ट्रैक्टरों के साथ में, ठीक है। तो आपने टोटन की वीडियो बनाई तो उसमें आपको कैसा रिजल्ट मिला इस ट्रैक्टर का? जबरदस्त है। बार ट्रैक चार्ट के साथ डाला था हमने, ठीक है, उसके मतलब कांटे की टक्कर है, 2 राउंड उसने जीते और 2 राउंड इसने जीते। अच्छा, और न्यूलैंड के साथ में डाला तो न्यूलैंड को हरा दिया, बिल्कुल ही हरा दिया। ठीक है, और 265 के साथ में डाला था, ठीक है, तो उसको भी हरा दिया। काफी पावर है फिर तो इसके अंदर। जबरदस्त है, तो 4 टायर काम कर रहे हैं इसके। और ये आपने पीछे जोड़ दिया, इससे कोई डीजल का नहीं, वो कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। अब लिफ्ट भी काम करती है इसकी, लिफ्ट भी काम करती है। ये आपने कैसे सिस्टम किया है? वो होजिंग है, वो ये काम करता है। अच्छा, और जो पंप है तेल की सप्लाई के लिए वो ट्रैक्टर का, उसका काम। अच्छा, ये पाइप दे रखी है आपने। अगर इसको बढ़िया प्रोफेशनल तरीके से अगर तैयार करें इसको हम, तो मतलब काफी पैसे लगेंगे इसके ऊपर, फिर तैयार होगा ये। इसको तो मैंने जैसे डेमो के रूप में बनाया अभी।
आपने पहले भी एक दो प्रोजेक्ट तैयार किए हैं ना? हाँ बनाए थे हमने, पहले यही दो ट्रैक्टर थे। अच्छा, हमने टेंडम ट्रैक्टर तैयार किया था, मतलब दोनों ट्रैक्टरों के आगे वाले टायर नहीं थे। दोनों के नहीं थे? नहीं थे। अच्छा, यहाँ पे बैलेंस बनाया था हमने, यहाँ पे बैलेंस बना के आगे वाला ट्रैक्टर ऐसे उठ था, ठीक है। और एक जीप तैयार की थी हमने, उसके ये टायर लगाए थे बड़े वाले चार। आपको शौक है या कोई आपका एक्सपेरिमेंट का कोई चैनल वगैरह? चैनल है मेरा राजू किमस्ती के नाम से, यूट्यूब पेज है, इंस्टाग्राम है। अच्छा, उस पर वीडियो डालता रहता हूँ मैं। अच्छा, उस पर डालते हो। तो रिंकू भाई ने मेरे को बोला यार मेरे को भी आपके ट्रैक्टर की वीडियो बनवाओ, तो मैंने सोचा चलो भाई आ जाओ भी बनवा देंगे हम तो। सही। तो मेरे को शिशपाल भाई ने बोला कि भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी वीडियो आप बनवाओ, तो मैंने सोचा भाई आ जाओ भी बनवा देंगे जरूर, आप तो गाँव के लड़के हो यार, ये बात है। हमारे चैनल का नाम है शिशपाल की मस्ती। तो एक बात और बताइए, ये जो पीछे वाला है इसके ब्रेक काम करते हैं? बिल्कुल काम करते हैं। अच्छा, अभी तो जैसे मान के चलो अभी मैंने ये जुगाड़ के रूप में तैयार किया है ट्रैक्टर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पत्तियाँ लगाई है। हाँ, अगर इसको मतलब बढ़िया तरीके से हम तैयार करें तो काफी मतलब समय लगेगा और काफी पैसा लगेगा, ठीक है। तो जैसे मान के चलो अभी ये गियर वाला होचिंग है ये, ठीक है, नीचे वाला ये साइड वाला, इस तरह यहाँ पे होचिंग लगेगा, ये लगेगा। फिर क्या है, जैसे ट्रॉली भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो मेरी सोच तो ये भी है कि इसको बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल तरीके से तैयार करें, इसको हम तैयार करें, ठीक है। फिर महिंद्रा कंपनी को दिखाएं भी हम, ऐसा तैयार किया हमने। सही है, ये बात है। तो अभी आपने इसके पीछे कौन कौन से इम्प्लीमेंट जोड़े हैं? मैंने एरो के अंदर चलाया इसको। एरो के अंदर कैसा चला? बढ़िया चला, कोई दिक्कत नहीं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हमने मतलब टोटन की वीडियो बनाई है, ठीक है। ये नॉर्मल बनाई है हमने, और ज़्यादा बनाई नहीं है, ठीक है। मौसम खराब चल रहा है, बारिश का मौसम चल रहा है, इसकी वजह से। सही है। तो आप और इसकी कोई खास बात? खास बात यही है कि भाई ये बढ़िया तरीके से अगर इसको हम तैयार कर दें ट्रैक्टर को, तो ये बढ़िया तरीके से कामयाब होगा ट्रैक्टर, कोई दिक्कत नहीं। 4x4 ट्रैक्टर से ज़्यादा कामयाब होगा ये, बात है। तो आप हमारे दर्शकों को और क्या कहना चाहोगे? आपके दर्शकों को हम यही कहना चाहेंगे भाई, गलत कमेंट ना करें प्लीज़ आप। हाँ भाई सही है भाई। अच्छा, अगर आप नहीं कर सको ना तो गलत ना करें। सही है, इन्होंने मेहनत की, आप गलत कमेंट करते हो। कुछ ना कुछ तो मैंने बनाया है, ये मान के चलो आप। कुछ ना कुछ तो अलग किया, कुछ ना कुछ अलग देखने को मिला है आपको। सही है सही है भाई, ऐसा भी ट्रैक्टर होता है। सही है, ठीक है। बंदे की सोच होती है अलग अलग, ये बात है। अजी गलत कमेंट मत करना आप, अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट ही मत करो। अच्छा, वीडियो मत देखना। नहीं, बंदे का जो हौसला है वो बढ़ाओ आप। हाँ सही, कल को और बढ़िया प्रोजेक्ट लेके आएगा बंदा, और भी दो प्रोजेक्ट है मेरे। सही है, इससे भी बढ़िया है वो। हाँ भी, इंडिया के अंदर कोई तो आगे आ रहा है कुछ अलग करने के लिए। सही बात है आपकी। तो दोस्तों आप नेगेटिव कमेंट ना करें, बढ़िया कमेंट करें। अगर आपको ये गलत लगता है तो आप कमेंट ही ना करें। बिल्कुल सही बात है। अच्छी की अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करें। तो चलो आप इसको हमें थोड़ा चला कर दिखाओ। बिल्कुल दिखाएंगे, अभी देखो आपको कैसे काम करता है, प्रॉपर रूप से वर्क कैसे करता है। सही है, दिखाओ।
पीछे खड्डा आ गया।